ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 6th लार्जेस्ट कंट्री है और ये इतना बड़ा है कि इंडिया जैसे दो देश इसमें समा जाएंगे। लेकिन आज के समय 95% ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा संसान पड़ा है। अगर आप इस मैप को देखें, जिसमें से मेजर सिटीज जैसे कि सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और मेलबर्न शामिल है, वहाँ वहाँ ऑस्ट्रेलियन लोग रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन सिर्फ ये 0.22% एरिया में ही रहती है और ये सारे सिटीज ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर शामिल है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच चलते जाओगे तो आपके सर्वाइवल के चांसेस और भी कम होते जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में ओरिजिनली जो लोग रहते थे उनका नाम ऑबर्जिनीज था, लेकिन आज के समय ऑलमोस्ट सभी लोग व्हाइट लोग हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीजन है ब्रिटिशर्स का। 1788 में जब ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया पे कदम रखा और उन्हें ये पाया कि ये जमीन तो बहुत ही बड़ी है और यहाँ पे कोई भी अपना लैंड ओन नहीं करता, इसी चीज का ब्रिटिशर्स फायदा उठाते हुए उस जगह को धीरे धीरे कॉलोनाइज कर दिया। वो चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया भी एक दूसरा ब्रिटेन बने और ब्रिटिशर्स ने इन इंडिजिनियस लोगों पर बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया था। ब्रिटिशर्स कॉलोनाइजेशन के वक्त वहाँ पे अलग अलग प्रकार के महामारी फैलती रहती थी और इसका इलाज ब्रिटिशर्स के पास भी था, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन लोगों को ट्रीट नहीं करते थे, उन्हें ऐसे ही मरने देते थे और इसकी वजह से इंडिजिनस यानी ओल्ड ऑस्ट्रेलियन लोगों की 90% पॉपुलेशन तबाह हो गई। और इन सब जंगों और महामारी के अलावा ऑस्ट्रेलिया की आबादी कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे एक पॉलिसी लाया गया था और उस पॉलिसी का भी बहुत ही बड़ा हाथ है ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन कंट्रोल में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया में आए थे ऑस्ट्रेलिया को ऑक्यूपाई करने, उसको दूसरा ब्रिटेन बनाने, तो इसीलिए उन्होंने इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1901 इंट्रोड्यूस किया। ये एक्ट व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता था। इस एक्ट का मेन एम था कि नॉन व्हाइट्स को ऑस्ट्रेलिया में रोका जा सके, बेसिकली एशियन इमिग्रेंट्स और नेटिव ऑस्ट्रेलियन को रोका जा सके और सिर्फ ब्रिटिशर्स वहाँ पे रूल कर सके। तो अब व्हाइट के अलावा दूसरे लोगों के पॉपुलेशन ग्रोथ पर बहुत ही ज्यादा रुकावट आया और ऐसे धीरे धीरे वहाँ पे व्हाइट्स बढ़ते गए और ये भी एक रीजन है कि वहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन व्हाइट्स है। और आज की सिचुएशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया में आज 2.6 करोड़ लोग रहते हैं और उसमें से 10 लाख नेटिव ऑस्ट्रेलियन वहाँ रहते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि जंग और महामारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन तबाह हो गई थी, लेकिन आज के वक्त तो पॉपुलेशन वापस रिवाइव कर चुकी है, 2.6 करोड़ हो चुकी है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया क्यों 95% खाली है? इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफिकल रीजन, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्श है और बहुत ही ज्यादा अजीब क्लाइमेटिकल कंडीशन है। इसको समझने के लिए हमको ऑस्ट्रेलिया के रीजन को अच्छे से समझना होगा। तो ऑस्ट्रेलिया 3 मेजर लैंड फॉर्म में बटा हुआ है। पहला है वेस्टर्न प्लेटो, ये पूरा का पूरा एरिया डेजर्ट से भरा पड़ा है और यहाँ पे ह्यूमन सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। फिर दूसरा है सेंटर लोलैंड, ये एरिया लोलैंड पे तो है ही, बस इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो नदियों का पानी है वो भी पूरा का पूरा खारा है और यहाँ पे खेती करना तो नामुमकिन सा है, यहाँ की जमीन सूट ही नहीं करेगी तो यहाँ पे लोग रह भी नहीं सकते। और फिर तीसरा है ईस्टर्न हाइलैंड्स, पूरा एरिया जंगली जंगल और माउंटेन से भरा पड़ा है, यानी कि मतलब है मेजरली ये एरिया फर्टिलाइज जमीन है और यहाँ का पानी भी पीने लायक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों का रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वजह है ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेटिकल कंडीशन। ऑस्ट्रेलिया में 3 एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, पहला है डेजर्ट, फिर फ्लड और लास्टली ऑस्ट्रेलिया में तीसरा है साइक्लोन। ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन्स भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में आते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का सदर्न पार्ट यानी कि नीचे वाला पार्ट अंटार्कटिका और उसके ठंडे पानी के आसपास है। जब पानी गर्म नहीं होता तो क्लाउड्स नहीं बनते। प्लस इस मैप में तुम क्लियरली देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पार्ट में कोई भी ऐसे मेजरली ग्रीन एरिया है नहीं, मतलब ये है कि यहाँ पे क्लाउड्स नहीं बनते और यहाँ पे ना ही जल्दी बारिश होती है और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया का 70% एरिया डेजर्ट है और ड्राउट प्रोन है। अब सेंट्रल लोलैंड की बात करें, वहाँ की मिट्टी और रॉक लेयर्स लाखों साल पुराने हैं और उनकी सैलिनिटी लेवल नेचुरली बहुत ही ज्यादा हाई है। जब भी ये रॉक लेयर्स टूटती हैं तो उनमें से नमक नियर बाय पानी में घुल जाता है, इसलिए यहाँ भी रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब आ जाते हैं ईस्टर्न हाइलैंड्स पर, जहाँ पे ग्रीनरी एरिया और माउंटेन से भरा पड़ा है। देखो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल इक्वेटर के नीचे है और इक्वेटर वो जगह है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और ये जगह में एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस होती है। अब हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमती है, जिसके वजह से ईस्ट से वेस्ट यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही ज्यादा तेज ट्रेड विंड चलती है। इन दोनों कंडीशन के कारण पैसिफिक का गर्म पानी हवाओं के साथ ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आता है और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में क्लाउड्स बनते हैं। प्लस यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज भी है जो कि क्लाउड्स को आगे जाने से रोकती है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के इस एरिया में ग्रीनरी पाया जाता है।
जाता है। और दूसरा कंडीशन ये भी है कि पैसिफिक ओशन का गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आके लार्ज क्वांटिटी में इकट्ठा होने लगता है, और ये गर्म पानी के नीचे जो ठंडा पानी है वो फ्लो होकर पैसिफिक ओशन की तरफ जाता है, जिसकी वजह से टेलविंड्स बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं और जिसकी वजह से फ्लड और साइक्लोन जैसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन अपने इतिहास से लेकर आज तक ज्यादा नहीं बढ़ पाई, और जो पॉपुलेशन आज के वहाँ पे मौजूद है उनके लिए भी ऑस्ट्रेलिया की एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही ज्यादा हार्श है। प्लस ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफिकल रीजन भी इसका बहुत ही बड़ा कारण है। जैसा कि हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के दूसरे पार्ट में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर पॉपुलेशन सिर्फ कुछ सिटीज में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो दोस्तों, ये थी ऑस्ट्रेलिया के पीछे का कारण कि क्यों ऑस्ट्रेलिया 95% खाली है। दोस्तों, हमें रिसेंटली एक वीडियो बनाया था इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, जिसमें हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी थी। वो वीडियो देखने के लिए आप राइट भी क्लिक करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम 1K के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।